नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं राजू जियानी आपके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आया हूँ। आज जो प्रोडक्ट मैं लेके आया हूँ, जिसकी काफी समय से एक मार्केट में रिक्वायरमेंट थी कि एक रीजनेबल प्राइस में हमें HDMI और SDI दोनों ही चीजें रिकॉर्ड हो जाए, ऐसा रिकॉर्डर मिले जिसका स्क्रीन साइज अच्छा हो, ऑडियो क्वालिटी अच्छा हो, रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छा हो। तो ऐसा रिकॉर्डर आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिसका नाम है HD90 और ये आपके सामने अभी हम थोड़ी देर में अनबॉक्सिंग करेंगे। अब इस रिकॉर्डर की विशेषताएं क्या है? तो ये रिकॉर्डर आपका एनालॉग इनपुट ले लेता है, मतलब कि 720x576 से लेके 2160, मतलब कि 4K तक के सारे वर्जन सपोर्ट करता है, फिर चाहे वो इंटरलेस हो या प्रोग्रेसिव हो। तो आइए देरी ना करते हुए हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए, इस तरह का ये एक व्हाइट बॉक्स आता है। ये व्हाइट बॉक्स के अंदर हमें एक बैग मिलता है। अब इस बैग को हम ओपन करते हैं। ये इस तरह से हमें रिकॉर्डर, रिमोट कंट्रोल और ये एक व्हाइट बॉक्स मिलता है जिसके अंदर पावर कनेक्टर वगैरह भी आता है। तो ये रिकॉर्डर हमने एक बाहर निकाल लिया। ये हमारे हितेश जी दिख रहे हैं इसमें रिफ्लेक्शन में। ये हो गया हमारा फुल HD रिकॉर्डर। इसे आप साइड में रखिए हितेश जी। अब ये बॉक्स खोलिए। ये इसका पावर एडेप्टर हो गया और ये एक फुटस्टेप दिया हुआ है, क्योंकि ये रिकॉर्डर ना सिर्फ हमारे लिए, मतलब कि डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं जिनको ऑपरेशन में यूज करना है, तो वो लोग फुटस्टेप से भी रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये उसका रिमोट कंट्रोल है। अब इसके नीचे और भी कुछ है। ये HDMI केबल हो गया। इसके बाद इस तरह का ये एनालॉग सपोर्ट, मतलब कि मैंने आपसे पहले बताया जैसे 720x576, मतलब कि RC इनपुट जिसको हम CVBS भी बोलते हैं, उसका इनपुट भी इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा ये USB कनेक्टर है जिससे आप इसको सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप एनालॉग इनपुट ले रहे हैं, मतलब कि VHS वगैरह आपको जब कैप्चर करना है, तो उसके लिए ऑडियो आप इसके थ्रू दे सकते हैं। ये क्या है, यूजर मैनुअल दिखाइए जरा। तो ये इस तरह का ये पूरा यूजर मैनुअल दिया हुआ है जिसमें आपको सब कुछ दिखाया गया है कि कौन से कनेक्शंस कहां पे लगेंगे। अब रिकॉर्डर ले लीजिए जरा हितेश जी। रिकॉर्डर के कनेक्शंस हम देखना चाहेंगे। तो यहां पे सबसे पहला है ऑन ऑफ का स्विच, उसके बाद पावर एडेप्टर जहां पे लगना है वो है, उसके बाद USB-C जो PC के लिए, उसके बाद HDMI, उसके बाद उसके बाद है HDSDI, उसके बाद S वीडियो इनपुट, उसके बाद DVI इनपुट, उसके बाद आपको HDMI इनपुट मिल रहा है। सबसे पहला जो HDMI था वो HDMI आउट है। उसके बाद आपको MMI मतलब के मल्टीमीडिया इंटरफेस, जिससे कि आप अपना एनालॉग इनपुट, ये जो है आपका, ये है मल्टीमीडिया इंटरफेस जिससे कि आपका एनालॉग इनपुट होगा। इसका बैक साइड दिखाइए हितेश जी। यहां पे नीचे आपको माउंटिंग करने के लिए, मतलब कि स्टैंड पे लगाने के लिए ब्रैकेट अवेलेबल है, बोल्ट आपका जहां पे लगता है। बैक साइड यहां पे ये देखिए, लेफ्ट साइड में आपको SD कार्ड इनपुट दिया हुआ है, USB पोर्ट भी है जहां पे आप अपनी पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव लगा के भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी जो ऑडियो के कनेक्टर्स दिए हुए हैं, ऑडियो का कनेक्टर दिखाइए, तो जिससे कि आप ऑडियो इन आउट दोनों कर सकते हैं। अब हम बैक साइड में देखते हैं। यहां पे बैक साइड में आपको बैटरी के कनेक्टर्स, मतलब कि दो बैटरी आप एक साथ लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो RS-2032 जो है, बटन सेल जो हम लगाते हैं जो क्लॉक के लिए होता है, तो वो भी आप यहां से लगा सकते हैं। इस साइड में हमें सिर्फ वेंटिलेशन है और कुछ नहीं दिया हुआ है।
तो अब हम इसे प्रैक्टिकली इनपुट करके चेक करते हैं। तो यहां पे देखिए हमने ये कैमरा लगाया है, उसका एसडीआई आउट निकाल के हमने इसके अंदर लगा दिया है। तो ये कैमरा जरा हम आगे लेके मैं आपको दिखा देता हूं, रिकॉर्डर के पास ले लीजिए। ये ऊपर हमने एसडीआई सोर्स इन कर दिया है और एचडीएमआई आउट निकाल के हमने यहाँ पे लूप, अगर आप देखना चाहते हैं तो टीवी में हमने लूप भी दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, जब आप सोर्स चेक करना चाहते हैं, सोर्स चेंज करना चाहते हैं, तो यहां से आप सोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। ये हमने सोर्स चेंज किया, ये एस वीडियो, ये एच डी एम आई, ये डीवीआई और ये एसडीआई। तो जो भी सोर्स हमने दिया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले में जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऊपर की साइड देखिए, हमें जो भी रिकॉर्डिंग के काउंटिंग, ये जो भी इनपुट आ रहा है, डेट टाइम, वो सब हमें दिखता है। नीचे आपने अगर माइक इन किया है, बिटरेट आपने जो रखे है वो, और स्टोरेज कौन सा है। फिलहाल हमने एक भी स्टोरेज यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है, तो ये स्टोरेज का सेटिंग है। ये ऑन ऑफ का स्विच है, इससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। टर्न ऑफ एलईडी डिस्प्ले, एलईडी डिस्प्ले भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये मैं बाहर आ गया। प्लेबैक के लिए अगर अंदर कोई भी फाइल आपने रखी है तो आप इसको यहाँ से प्लेबैक दबा के ले सकते हैं। यहां से आप उसको डिलीट कर सकते हैं, यहां से स्टिल फोटोग्राफ ले सकते हैं। ये होम में जाता हूं तो ये मेनू आ गया, उसमें सबसे पहला है सेटिंग, जहां पे शो टाइम, रिकॉर्ड रिजोल्यूशन, बिटरेट, बिटरेट के सेटिंग्स में देख सकता हूं। यहाँ पे देखिए, ये मैंने हाई बिटरेट रखे हैं, यहाँ पे हाई, मीडियम और लो। लो में आपका रिकॉर्डिंग जो होगा वो आपका रहेगा 8 Mbps पे, मीडियम में रहेगा 12 Mbps पे और हाई में आपका रहेगा 18 Mbps पे, मतलब के 9 GB का एक घंटे का फाइल आपका स्टोर होगा। इसके बाद यहाँ पे फाइल साइज, इसमें 4G और 16G ऐसे दो ऑप्शन है, मतलब कि आपको फाइल 4 GB पे कट करना है या 16 GB पे लंबा रिकॉर्ड करना है। तो जैसे ही फाइल साइज 4 GB होगा तो वो ऑटोमेटिक वहां पे कट हो जाएगा। ये लूप रिकॉर्डिंग आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। लूप रिकॉर्डिंग रखने से क्या होगा, अगर आपका मेमोरी कार्ड या पेनड्राइव फुल हो जाएगा तो पुराने रिकॉर्डिंग को डिलीट करके वो उसके ऊपर फिर से रिकॉर्डिंग कर लेगा। इसके बाद यहाँ पे शो रिकॉर्डिंग ऑप्शन दिया गया है, टाइम वाटरमार्क, एचडीएमआई आउट आपको बाईपास चाहिए कि अंदर का लोकल प्लेबैक लेना है, तो यहाँ पे आप लोकल करेंगे तो ये लोकल प्लेबैक टीवी में आएगा। फिलहाल लोकल में हमने कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं लगाया है तो कुछ नहीं दिख रहा है। ये आप देखिए, टीवी में आपको डायरेक्ट प्रीव्यू दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपको प्रीव्यू नहीं दिख रहा है। अब मैं लोकल में से सीधा बाईपास करता हूँ तो ये देखिए, यहाँ पे भी मुझे प्रीव्यू दिखना चालू हो गया है। फिर से मैं होम दबाता हूं, ये सिस्टम के डेट टाइम में सेट कर सकता हूं। यहां से ये बैक का बटन है, ये रिकॉर्ड स्टार्ट और स्टॉप, फिर ये ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन, बैकलाइट, ऑटो स्टॉप, जो भी मुझे ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं वो अपने हिसाब से ऑन ऑफ यहां से कर सकता हूं। ये HDMI वगैरह के वॉल्यूम, माइक इन अगर मैं लेता हूं तो उसका वॉल्यूम, लाइन इन लेता हूं तो उसका वॉल्यूम, और शेड्यूल रिकॉर्डिंग अगर मुझे डालना है तो मैं शेड्यूल रिकॉर्डिंग कर सकता हूं। तो यहां से हमें ये सारे इंटरफेस है, ये इनपुट कनेक्शंस दिए हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा इंटरफेस है। USB यहाँ पे देखिए, नीचे जैसे ही आपका रिकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन चालू है, USB, SD या PC, ये रिकॉर्डर कौन से मोड में है वो आपको यहां से दिखाएगा। जैसे आप यूएसबी कनेक्ट करेंगे तो पीसी की लाइट ऑन हो जाएगी, एसडी कार्ड लगाते हैं तो एसडी कार्ड ऑन की लाइट ऑन हो जाएगी, और यूएसबी कनेक्ट करते हैं तो यूएसबी कार्ड की लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखिए, यहां हमने एक DVC कैमरा लगाया हुआ है, ये उसका एनालॉग आउटपुट हमने निकाला है, और यहाँ पे ये MMID कनेक्टर जो है उसके थ्रू हमने ऑडियो वीडियो इन दिया है। तो इस तरह से आप एनालॉग इनपुट भी इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये सिस्टम लगाया है, उसका VGA आउट निकाल के भी इसमें मैंने दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं सोर्स चेंज करके,
ये देखिए VGA इन भी इसमें आ गया है। इन शॉर्ट इतने सारे सोर्स के सपोर्ट के साथ एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्डर हमें यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9227601345। थैंक यू वेरी मच।